So now we will going to study about SC Plough's psychographic classification. Destination popularity versus travels personality. ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन कितनी पॉपुलर है और किसी पर्सन की जो ट्रेवल पर्सनैलिटी, उसकी साइकोलॉजिकल, किसी ट्रेवलर की जो साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी है वो कैसी है, वो सारी इन्फ्लुएंस करती है इस साइकोग्राफिक क्लासिफिकेशन. एससी प्लॉक की जो साइकोग्राफिक क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज टोटली इंडिकेट्स टूवर्ड साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी ऑफ अ टूरिस्ट और ट्रेवलर. ठीक है, उसी साइकोग्राफिक क्लासिफिकेशन की हम टाइप्स पढ़ेंगे. जब भी इंट्रोडक्शन आए, जब भी आपने इसकी इंट्रोडक्शन मेंशन करनी है, तो आपने यही लिखना है, एससी प्लॉक इज अ स्कॉलर हु क्लासिफाइड टूरिस्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी. दैट्स व्हाई हिज क्लासिफिकेशन इज नोन एज साइकोग्राफिक क्लासिफिकेशन. So types of SC Plough psychological classification are authentic psychocentric, mid authentic, near psychocentric. देखिए नाम आप दो तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट साइड वाले इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले याद कर लो, चाहे इक्वल टू के राइट साइड वाले. लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो जो मेन टर्म्स है वो राइट साइड वाली है, दैट इज साइकोसेंट्रिक, then near psychocentric, mid centric, allocentric and near allocentric. ये main term, ठीक है, लेकिन साथ में याद करने के लिए आप दूसरी terms भी याद कर सकते हो. मैं थोड़ा सा इनको आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ कि allocentric जो है, ठीक है, psychocentric ये है क्या. सबसे पहले हम पढ़ते हैं allocentric के बारे में. allocentric type seek न्यू एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर. जब कोई पर्सन कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए ट्रेवल करता है, एडवेंचर करने के लिए, उसके माइंड में थ्रिल है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, उन पर्सन को हम एलोसेंट्रिक में काउंट करेंगे. आउटगोइंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो पर्सन. एंजॉय मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, एक्सप्लोर एन एरिया, मेक ओन ट्रेवल अरेंजमेंट, चूज एक्टिव एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन. मतलब जो खुद अपना ट्रिप प्लान करे, खुद उस ट्रिप को अरेंज करे, सारे की सारी चीजों को वो खुद कर रहा है, दैट टूरिस्ट इज कंसिडर्ड एज एलोसेंट्रिक टूरिस्ट. वो खुद एक्सपीरियंसिस गेन करना चाहता है, खुद उसमें एक थ्रिल है, एडवेंचर करना चाह रहा है, वो किस नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, उसको लोगों को मिलना पसंद है, नए नए कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन उसे फाइंड आउट करना अच्छा लगता है, उन पर्संस को हम एलोसेंट्रिक टाइप ऑफ टूरिस्ट में कंसिडर करेंगे. सो दीज आर बेसिकली नोन एज एलोसेंट्रिक टूरिस्ट. ठीक है जी, जैसे पिक्चर में आपको साइड पे दिखाई दे रहा है कि वो जीरो ग्रेविटी के ऊपर, कोई चाहता है कि जीरो ग्रेविटी पे किस तरीके का हमें फील होता होगा, उसे वो फील करना चाहता है. फिर नासा सेंटर्स हैं, ठीक है, या फिर साइंस सिटी सेंटर्स है, जहां पर जाके वो इस चीजों को अच्छे से इंजॉय कर सकता है. और वो सारे का सारा अरेंजमेंट खुद करता है, जगह को चूज खुद करता है, तो ये सारी चीजें एक एलोसेंट्रिक टूरिस्ट करता है. फिर आता है हमारे पास साइकोसेंट्रिक टाइप. कंजर्वेटिव इन हैबिटेट एंड अनएडवेंचरियस. मतलब बड़ा ही कंजर्वेटिव, बड़ा ही नैरो माइंडेड सा है, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप है, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है उसे, एडवेंचर तो बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, वो सिर्फ उन जगहों पे जाना चाहता है जो डेस्टिनेशन उसको फेमिलियर है, जहां पर एक बार जाया है उसे पसंद आई वो उसी जगह पे दोबारा जाना चाहेगा, नई चीजों को एक्सप्लोर करने की उसमें एक एबिलिटी नहीं है या उसे नई चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा नहीं लगता, तो वो वाले पर्सन को हम साइकोसेंट्रिक में काउंट करेंगे. मतलब जो टोटली अपनी साइकोलॉजिकल को सेंटर में रख के हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचे कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई डोंट वांट एनी एडवेंचर और एनी थ्रिल प्रोजेक्ट, आई ओनली वांट टू विजिट फेमिलियर डेस्टिनेशन, दैट काइंड ऑफ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज साइकोसेंट्रिक टूरिस्ट. ठीक है जी, जो सिर्फ रिलैक्स करना चाह रहा है,
एक्सपेक्ट द टाइप ऑफ फूड एंड एक्टिविटी, जैसे फूड एंड एक्टिविटी फूडीज होते हैं जो यूजुअली वो जहां पर फूड मिल जाए अच्छा वो वहां पर चले जाएंगे, उनको कोई डिपेंड नहीं करेगा कि एडवेंचर मिल रहा है कोई थ्रिल है कुछ नहीं, जस्ट फूड है दे विल ट्रेवल। प्रेफर हैविली स्ट्रक्चर्ड आइटनरीज, खुद ट्रिप नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे, किसी पर्सन को कहेंगे हमने सो एंड सो प्लेस पे जाना है हमें एक आइटनरी बना के दो, वो उसी आइटनरी को उसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट लिखा है मॉर्निंग, वो 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, वो 8:30 भी नहीं होने देंगे, ठीक है। जो पूरी हाईली स्ट्रक्चर्ड आइटनरीज को कंजर्वेटिवली फॉलो करते हैं उन्हें साइकोसेंट्रिक, एलोसेंट्रिक एंड साइकोसेंट्रिक में यही डिफरेंस है। एलोसेंट्रिक बहुत ही ओपन माइंडेड ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं होते, उन्हें एडवेंचर चाहिए होता है, वो एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, अपनी ट्रिप्स खुद प्लान करते हैं, अपनी आइटनरीज खुद बनाते हैं। साइकोसेंट्रिक टोटली डिपेंड अपॉन अदर्स, फेमिलियर जगहों पे जाएंगे नई जगह पे नहीं जाना चाहते, कंजर्वेटिव होंगे सिर्फ रिलैक्स करना चाहेंगे, दूसरों को कहेंगे उनके ट्रिप प्लान करें और उनकी आइटनरीज बना के सारे अरेंजमेंट दूसरे करेंगे वो सिर्फ इंजॉय करेंगे, वो होते हैं साइकोसेंट्रिक। तो दिस इज अ बेसिक मेजर डिफरेंस बिटवीन एलोसेंट्रिक एंड साइकोसेंट्रिक। इसके बाद आते हैं मिड सेंट्रिक, मतलब ना जो एलोसेंट्रिक है ना साइकोसेंट्रिक, इन बिटवीन द, ठीक है, जिन्हें हम मिड सेंट्रिक भी कहते हैं। बिटवीन एलोसेंट्रिक एंड साइकोसेंट्रिक नॉट पर्टिकुलरली एडवेंचरस रिस्पेक्टिव टू न्यू एक्सपीरियंस, मतलब अभी देखिए इनको ज्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत एडवेंचर कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो कहते हैं कि अगर एडवेंचर मिल जाए तो कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ एडवेंचर चाहिए इसीलिए हम ट्रिप करें, ठीक है। तो मतलब जो चीज मिल जाए, अगर मिल रही है तो जाने नहीं देंगे, वरना वो खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे उन चीजों के, ठीक है। उसके अलावा न्यू एक्सपीरियंस अगर मिल रहे हैं तो वो ग्राफ करेंगे उसे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पुराने अपने जो प्लेसेस हैं उन्हीं फेमिलियर प्लेसेस को विजिट करना चाहेंगे। दीज आर कॉल्ड मिड सेंट्रिक, मतलब ना ही एलो सेंट्रिक है, ठीक है जी, ना ही वो साइको सेंट्रिक है, वो इन दोनों के बीच में मिड सेंट्रिक, मतलब कुछ क्वालिटीज उनमें एलो सेंट्रिक की है कुछ क्वालिटीज उनमें साइको सेंट्रिक की, ठीक है। दे डोंट वॉन्ट एनी फोर्सफुल एडवेंचरस ट्रिप, अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो दे विल बी सेटिस्फाइड विद व्हाट एवर दे हैव, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अभी देखिए डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सिंपल सी बात है एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ आ जाए कि एससी प्लॉग साइकोग्राफिक क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करो, आपको डिफरेंस आ सकता है साइकोसेंट्रिक एंड एलोसेंट्रिक में, तो आप उसे किस तरीके से करोगे। साइकोसेंट्रिक, अभी देखिए चार्ट बड़े अच्छे तरीके से बना है, अगर आपने इस डिफरेंसेस याद करने हैं बड़े अच्छे तरीके से आप डिफरेंसेस इस तरीके से याद कर सकते हो। साइकोसेंट्रिक प्रेफर फैमिलियर ट्रेवल डेस्टिनेशन, जैसे पहले हमने देखा है कि ये सिर्फ जिन जगहों पे पहले जा चुके हैं वहीं जाएंगे, फैमिलियर डेस्टिनेशन चाहिए। एलोसेंट्रिक, जहां पर भीड़ भाड़ नहीं है, नई नई डेस्टिनेशन में ट्रेवल करेंगे, नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, वो पुरानी डेस्टिनेशंस पे नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ भाड़ है, जहां पर ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, वो उस डेस्टिनेशंस पे जाएंगे जो बहुत अच्छी है घूमने में और जहां पर टूरिस्ट कम जाते हैं, जिसके बारे में टूरिस्ट को ज्यादा पता नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा जी लाइक कॉमन प्लेसेस एक्टिविटीज इन डेस्टिनेशन, फेमिलियर ट्रेवल डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो जो कॉमन प्लेसेस है, ठीक है, मान लीजिए अगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है सारे शिमला जा रहे हैं तो साइकोसेंट्रिक सारे शिमला जाएंगे, और एलोसेंट्रिक क्या चूज करेंगे, हम ऐसी प्लेस पे जाएं जहां पर भीड़ भाड़ ना हो, अच्छे से एंजॉय कर सके, वो कसौल को चूज कर लेंगे या चंबा को चूज कर लेंगे, ठीक है जी, या किसी ऐसी प्लेस को चूज कर लेंगे जहां पर कोई नहीं जा रहा, गुलमर्ग है, ठीक है जी। तो एलोसेंट्रिक, अभी देखिए साइकोसेंट्रिक का है प्रेफर रिलैक्सिंग सन एंड फन स्पॉट, रिलैक्स करने के लिए, कोई एडवेंचर नहीं, किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं, जस्ट दे वांट टू रिलैक्स। बट इन एलोसेंट्रिक एंजॉयिंग डिस्कवरिंग न्यू डेस्टिनेशन, नई नई चीजों को फाइंड आउट करना, नई नई जगहों पे जाके विजिट करना, नए नए कल्चर्स को देखना, नए नए लोगों से मिलना, ये सारा एलोसेंट्रिक पसंद करेंगे। अभी देखिए साइकोसेंट्रिक प्रेफर लो एक्टिविटी लेवल, जबकि एलोसेंट्रिक प्रेफर हाई एक्टिविटी लेवल। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि साइकोसेंट्रिक एडवेंचरस ट्रिप्स तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, तो
तूने एक्टिविटीज चाहिए ही नहीं, ठीक है। एलोसेंट्रिक को सिर्फ एक्टिविटीज चाहिए, वो करते ही ट्रेवल एडवेंचर के लिए, ठीक है। ए से एलोसेंट्रिक, ए से एडवेंचर, आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा याद करने के लिए। साइकोसेंट्रिक प्रेफर स्टेइंग एट फैमिलियर होटल चेन्स, डाइनिंग एट रेस्टोरेंट ऑफरिंग क्यूजीन ऑफ देयर होम कंट्री, ठीक है। देखिए मैं सिंपल से अगर बात करूँ, साइकोसेंट्रिक बड़े बड़े फैमिली होटल्स में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि साइकोसेंट्रिक का मेन मकसद रिलैक्स करना है, वो होटल में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इसीलिए वो बड़े बड़े अच्छे होटल्स में रहेंगे, रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, अपना क्यूजीन बढ़िया इंजॉय करेंगे। लेकिन एलोसेंट्रिक क्या होंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम बाहर स्पेंड करना है, क्योंकि एडवेंचर करने के लिए गए होंगे, तो यूजुअली वो क्या करेंगे, होटल्स हैं ठीक है, छोटे मोटे होटल्स में रुक जाएंगे, वो ज्यादा सर्विसेज नहीं चाहिए होंगी, ज्यादातर स्ट्रीट फूड इंजॉय कर लेंगे, वो सिर्फ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का खाना होटल में करेंगे, ठीक है। तो एलोसेंट्रिक को मेन फोकस उनका अकोमोडेशन तो नहीं होता, उनको अकोमोडेशन चाहिए होती है सिर्फ रात को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन हैक्टिक थक चुके होते हैं वो एडवेंचर करके, तो रात को रिलैक्स करने के लिए जैसी भी अकोमोडेशन मिल जाएगी वो प्रेफर कर लेंगे। लेकिन साइकोसेंट्रिक बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं टुवर्ड देयर अकोमोडेशन, क्योंकि उन्हें अकोमोडेशन अपनी बहुत मेन अच्छे तरीके से चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम तो होटल में बिताना है, ठीक है जी। साइकोसेंट्रिक प्रेफर फैमिलियर एटमोसफेयर, जबकि एलोसेंट्रिक प्रेफर मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल्स एंड फाइंडिंग आउट देयर कल्चर। साइकोसेंट्रिक क्या करेंगे, होटल में जाएंगे, चेक इन करेंगे, अपने रूम में रेस्ट करेंगे। एलोसेंट्रिक क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, आसपास के लोकल लोगों से मिलेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है जी, उनके सारी फैमिली बैकग्राउंड, हर एक चीज, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी ड्रेसेस, एवरीथिंग के बारे में एलोसेंट्रिक इंफॉर्मेशन पाना चाहेंगे, बिकॉज एलोसेंट्रिक आर एक्सप्लोरर्स। एक्सप्लोरर्स मतलब जो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो किसी चीज को खोजना चाहते हैं, उन्हें कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए। साइकोसेंट्रिक प्रेफर परचेजिंग कंप्लीट टूर पैकेजेस फीचरिंग अ फुल शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है जी। टूर पैकेज पूरा लेंगे वो, जैसे 5 दिन का टूर पैकेज है, वो 5 दिन का टूर पैकेज लेंगे, उन्हें मतलब जो मिल जाए बना बनाया वो उसी को प्रेफर करेंगे। लेकिन एलोसेंट्रिक अपने ट्रिप खुद बनाएंगे, फ्लेक्सिबल टूर पैकेज होगा उनका, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया है। हो सकता है ट्रिप सोच के गए हो 4 दिनों का, वहां पर मजा आ रहा हो तो 1 हफ्ता लगाए, वो होते हैं एलोसेंट्रिक, ठीक है। जिनके प्लान्ड ट्रिप भी अनप्लान्ड हो जाते हैं जब उनको कोई चीज पसंद आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है साइकोसेंट्रिक एंड एलोसेंट्रिक का, जब भी डिफाइन करना है बड़े अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि एलोसेंट्रिक कौन से लोग हो सकते हैं और साइकोसेंट्रिक कौन से हो सकते हैं। मिड सेंट्रिक टाइप, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फेलिंग बिटवीन द एलोसेंट्रिक, सॉरी फॉलिंग बिटवीन द एलोसेंट्रिक एंड साइकोसेंट्रिक टाइप ऑफ टूरिस्ट। दिस टाइप ऑफ टूरिस्ट इज कॉल्ड मिड सेंट्रिक। मिड सेंट्रिक टूरिस्ट आर नॉट पर्टिकुलरली एडवेंचरस बट दे आर रिसेप्टिव टू न्यू एक्सपीरियंसेस। मिड सेंट्रिक मैंने पहले भी आपको बताया, उन्हें पर्टिकुलर एडवेंचर नहीं चाहिए, लेकिन मिल जाए वो छोड़ेंगे, है ना, कि जो जो चीज हाथ लग रही है उसे क्यों छोड़ना, तो वो लोग उस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है साइकोसेंट्रिक एलोसेंट्रिक एंड मिड सेंट्रिक की, ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक आज का साइकोग्राफिक क्लासिफिकेशन का डिफरेंस था, इसे आप इसी तरीके से पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो।